हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं भरत मुजिद्रा। आज हम जानेंगे 1300 फुट का रिनोवेशन का ये बंगला। आप जो देख रहे हो, ये बंगला अजरपुर गांव में बनाया गया है और इसका 1300 फुट का रिनोवेशन किया गया है। बाद से ये पुराने बंगले को बहुत ही बढ़िया एलिवेशन देके एकदम नए जमाने का बनाया गया है। क्या एलिवेशन दिया गया है इतनी कम जगह में, क्या इसकी खूबसूरती कुछ और अलग है उसके लुक वाइज। और एक दुकान का भी आयोजन किया गया है और दुकान का फर्नीचर का काम अभी शुरू है। और ये मकान की एंट्री है, यहाँ पे एंट्री में ही सीढ़ी दी गई है। यह पुरानी सीढ़ी भी यहाँ थी, हमने सिर्फ रिनोवेशन किया है और सीढ़ी का भरपूर इस्तेमाल कर लिया गया है। सीढ़ी के नीचे इस प्रकार से फर्नीचर किया गया है और ये मेन एंट्री है। सामने इनका ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम ये वुडन का टीवी केस का फर्नीचर किया गया है। अभी सोफ़ा और वो बनाने का बाकी है, तो अभी इतना ही फर्नीचर और इंटीरियर हुआ था, तो इसी इंटीरियर में वीडियो शूट किया गया है। वुडन का यहाँ इंटीरियर किया गया है। छत पे पीयूपी की गई है, पीयूपी लाइटिंग के साथ है और बहुत बड़ा एलईडी टीवी भी लगा हुआ है। और इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरती से दिख रहा है इनका लिविंग रूम। यहाँ पे आने वाले एल शेप में सोफ़ा, ये एक बहुत ही अच्छी घड़ी दिख रही है लुक वाइज। और ग्रेनाइट की फ्रेम बनाई गई है, आप देख सकते हो। यहाँ के सभी चौखे ग्रेनाइट के बनाए गए। ये पुराना मकान था इसलिए इसकी हाइट नीचे ग्राउंड फ्लोर की थोड़ी चौखट की कम है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे हमने रिनोवेशन करके नया बनाया है वहाँ पे हाइट बढ़िया है। तो ये उनका बेडरूम है, बेडरूम फर्नीचर के साथ वुडन फर्नीचर किया गया है और इसकी सीलिंग पीओ की बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनाई गई है। और यहाँ पे एक स्लाइडिंग कबाट का भी आयोजन किया गया है। जो आप कबाट देख रहे हो वो स्लाइडिंग कबाट है, मैं अभी स्लाइड करके भी आपको दिखा दूंगा। तो ये बेडरूम में इस प्रकार से कपड़े रखने के लिए बनाया गया है स्लाइडिंग कबाट, और बहुत ही आसानी से ये मूवेबल है। दो साइड पे दो लॉक है, एक लॉक हो जाएगा तो एक ही खुलेगा, दूसरा लॉक अनलॉक होगा तो ही दूसरी साइड खुलती है। तो इस प्रकार से ये स्लाइडिंग कबाट बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया वुडन में, क्या इसकी कारीगरी से लेके इसकी इंटीरियर से लेके कलर डिजाइन से लेके ये बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से स्लाइड होता है। और ये किचन का फर्नीचर किया गया है, इसको प्रोफाइल शटर बोलते हैं दोस्तों। हाँ हाँ, इसको प्रोफाइल शटर किचन बोलते हैं। यह प्रोफाइल शटर बनाया गया है और अंदर एसएस की रेलिंग, स्टेनलेस स्टील की बाउल बिठाए गए हैं अलग अलग डिज़ाइन में। आपके ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी डिज़ाइन में एसएस के बाउल आते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाउल डाल सकते हो। और ऊपर ग्रेनाइट का सैंडविच किचन बनाया गया है जिसमें एक बम्बू पट्टी दी गई है और ये बम्बू पट्टी वाला सैंडविच किचन है। साइड में एक सर्विस किचन दिया गया है। दोनों का फर्नीचर और इंटीरियर देख लो, टाइल्स की डिज़ाइन देख लो, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और इसकी टाइल्स तो बात ही मत पूछो, टाइल्स तो बहुत ही बढ़िया दिखती है। ये जॉनसन की टाइल्स लगाई गई है। जहाँ पर किचन होता है वहाँ पर एक स्टोर रूम तो जरूरी होता है दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक स्टोर रूम का आयोजन किया गया है। बहुत ही बड़ा 5 फुट बाय 10 फुट का स्टोर रूम बनाया गया है। और ये आप जो डोर देख रहे हो, ये एयर वेंटिलेशन वाली जाली बनाई गई है। इसके अंदर से हवा आर पार जा सकती है ताकि स्टोर रूम में रखा अनाज ख़राब ना हो। और आप जो देख रहे हो ये ओपन पेस है, जहाँ पर बर्तन धोने की चौकड़ी, कपड़े धोने का वॉशिंग मशीन, एक एक्स्ट्रा वॉश बेसिन और अटैच संडास बाथरूम अलग अलग बनाए गए हैं। एक कॉमन यूज़ के लिए बनाया गया है और एक ओपन पेस है, पूरा पेस ओपन था। ओम नमः शिवाय। हर घर में एक मंदिर की जरूरत होती है, लेकिन जब हम मकान बनाते हैं तब दोस्तों शायद ये भूल जाते हैं कि मंदिर कहाँ बनाना है। मकान बनने के बाद हमें परेशानी होती है कि अब मंदिर कब बनाए, कहाँ बनाए, लेकिन उसकी फिक्र मत करो। इस प्रकार से वुडन का एक पार्टीशन लगा के बहुत ही खूबसूरती से एक छोटा सा भव्य मंदिर का आयोजन किया जा सकता है। और इस छोटी सी जगह में इस प्रकार से सीलिंग बना सकते हो। और ये मंदिर जो आप देख रहे हो वो सेवन के लकड़े से बना है और इसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है दोस्तों। आप देख सकते हो लुक वाइज बहुत ही बढ़िया है और जगह भी बैठने उठने के लिए बहुत ही सही चुनी गई है। तो ऐसी जगह में आप बड़े ही सुकून से बैठ के पूजा अर्चना कर सकते हो और मन की शांति, यहाँ पे आप बड़े ही एकाग्रता के साथ यहाँ बैठ सकते हो। तो घर में इस प्रकार से छोटा सा मंदिर का किसी भी जगह पे आयोजन किया जा सकता है। तो भूल गए हो तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मेरा ये वीडियो देख लो, आपको बहुत
बड़ी हेल्प मिलेगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो दोस्तों प्लीज। ओके दोस्तों, यहाँ तक था ग्राउंड फ्लोर। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो पूरे मकान में ग्रेनाइट के चौखट लगाए गए हैं वुडन फ्रेमिंग के साथ। आप देख सकते हो इसमें कितना बढ़िया वुडन सनमाइका का सीट पास किया करा है। एकदम नेचुरल वुडन लग रहा है, ये वुडन नहीं है, सनमाइका का सीट ही है दोस्तों। लेकिन ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि आप तो लगता है वुडन है। और ये दूसरे मंजिल की सीढ़ी है, यहाँ पर भी सेम है। तो हम अब आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जा रहे हैं ये सीढ़ी चढ़ के। तो ये सीढ़ी ग्रेनाइट और विट्रीफाइड टाइल्स में बनाई गई है और इस लुक वाइज ऊपर नीचे इस प्रकार से दिखती है। डॉन स्लिप किसी भी पाड़ी गई है दोस्तों, 12 mm की डॉन स्लिप किसी पाड़ी गई है, जिसकी वजह से हम स्लिप ना हो सके। तो लुक वाइज इस प्रकार से सीढ़ी दिखती है। और ये हम फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं अब। और ये आप देख रहे हो इनका बेडरूम। तो बेडरूम नहीं, सॉरी दोस्तों, इनका ये दूसरा लिविंग रूम ही है। यहाँ पर भी एक टीवी केस का आयोजन किया गया और इसकी डिजाइन भी बहुत ही बढ़िया है। और इसका वुडन तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, क्या बात की जाए। आप देख सकते हो ये डिज़ाइन कुछ अलग है नीचे से। और यहाँ पर भी पीयूबी की डिज़ाइन, हर एक रूम में पीयूबी की अलग अलग डिज़ाइन बनाई गई है। तो आगे वीडियो देखते रहो। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट तो दिल खोल के किया करो। कमेंट करने में कंजूस है मत किया करो, और लाइक तो बनता ही है दोस्तों।